मित्रों नमस्कार। राहुल गांधी को मानहानि मुकदमे में 2 साल की सजा में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। आज सुबह 11 बजे गुजरात हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और कहा कि निचली अदालत यानी सूरत की अदालत ने जो फैसला दिया है बिल्कुल सही है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि राहुल गांधी की आदत है कि वो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं यानी मानहानि कर रहे हैं और उनके खिलाफ़ बहुत सारी शिकायतें हैं। उनके खिलाफ सावरकर के पोते ने भी शिकायत दर्ज की है, आरएसएस वालों ने भी शिकायत दर्ज की है, बहुत सारे मुकदमे जो मानहानि के चल रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को सुधार नहीं रहे हैं। और यही बात सूरत कोर्ट ने भी कही थी और यही बात जो नागपुर में एक और कोर्ट है जहाँ आरएसएस का मामला चल रहा है, आरएसएस ने भी मानहानि का मुकदमा किया हुआ है, उन्होंने भी यही कहा कि आपकी आदत है, आपकी आदत में है, ये सुमार है कि आप लगातार मानहानि कर रहे हैं और उसमें सुधार नहीं कर रहे हैं, उल्टा आप कहते हैं कि वो जो कह रहे हैं वही सही है। मित्रों आपको याद है कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में एक सभा में कहा था कि मोदी मित्र और मोदी सभी मोदी, मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगा था लेकिन उन्होंने कहा था कि और भी मोदी ऐसे हो गए, यानी सभी मोदियों को उन्होंने भ्रष्ट कहा था। और इसके कारण एक गुजरात के MLA हैं प्रणेश मोदी, उन्होंने सूरत कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। और उसके बाद 2019 के बाद अभी 2022 में उसमें मामला आया था और 2023 की शुरुआत में सूरत कोर्ट ने उनको 2 साल की, यानी अधिकतम जो मानहानि का मुकदमा है वो अधिकतम 2 साल की सजा है। सामान्य तौर पर 6 महीने की सजा होती है या माफ़ी मांग के छोड़ दिया जाता है। हालांकि कोर्ट का ये कहना था कि राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी है, माफ़ी मांगते तो मामला ख़त्म हो जाता। उसके बाद जब वो उनको 2 साल की सज़ा हुई फिर वो अपर कोर्ट में गए यानी सेशन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उसके बाद वो गुजरात हाईकोर्ट गए और वहाँ भी उनकी याचिका खारिज हो गई है, यानी 2 साल की सज़ा बरकरार रखी गई है। और अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता बचा हुआ है, यानी एक ही रास्ता बचा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी तो राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि 2 साल अगर किसी को सजा होती है तो वो चुनाव लड़ने के, यानी 2 साल की सजा और 6 साल कूलिंग पीरियड, यानी 8 साल तक वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो उनकी उम्र अभी 52 साल हो गई है तो यानी 62 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी 2 साल पहले उन्हें 2 साल उनको सजा काटनी पड़ेगी। और अभी जो RSS का मामला है या जो सावरकर के पोते ने जो मुकदमा किया है उसमें भी हो सकता है उनको कितनी सज़ा हो, तो वो सज़ा साथ साथ चलेगी या अलग अलग चलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। तो राहुल गांधी ने अपना करियर ख़राब कर दिया है सिर्फ इसलिए कि वो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ और कह रहा है मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। देखिए आज के समय दिमाग से काम करना ज़्यादा ज़रूरी है न कि जबान से या हाथ पाँव से। आप मारपीट करेंगे तो फंस जाएंगे, आप अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा रणनीतिक तौर पर। आप जवान को क्यों खराब करना है, आप अपना जो आपका संगठन है संगठन को चलाइए। लेकिन आपने चूँकि आपको शिक्षा सही से नहीं मिली, यानी आपकी जो ट्रेनिंग हुई, जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है, ये भारत जोड़ो यात्रा आपकी 1998 में यानी 2004 में आपने पहला चुनाव लड़ा था तो 2004 में ही आपकी ट्रेनिंग वहाँ से शुरू होनी चाहिए, यानी आपको पहले भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी फिर आपको राजनीति में आना चाहिए था। लेकिन आप नहीं संभले तो अभी भी आप बोल रहे हैं तो 2 साल की सज़ा हो गई। अब आप चुनाव 2024 का जो आप विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं तो वो आपकी उस वक्त आप हो सकता है जेल में रहें अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी तो, क्योंकि आज ही मुझे लगता है इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो फिर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो हो सकता है अभी मैंने पूरा उसको निर्णय नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि हाईकोर्ट ने भी उनको 1 महीने का समय दिया हो। ये कानून का एक प्रक्रिया है कि जो दोषी होता है अगर उसे सज़ा मिल जाती है तो कोर्ट उसको ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 1 महीने का समय देता है। तो राहुल गांधी के लिए और ये पूरी अपोजिशन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अपोजिशन बिखर गया है। आप वहाँ पटना में देखिए जो नीतीश कुमार ने जिन्होंने एकता की वही विघटन हो गया, उनके साथ के लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, जीतन राम मांझी आ गए, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ गए और ये भी खबर है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट रही है।
और महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस तरह से शरद पवार की पूरी पार्टी ही टूट के एनडीए में आ गई है, तो वो आपका जो अपोजिशन का जो भी आपकी ताकत थी वो आधी आधी से भी आधी क्या खत्म हो गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और एनसीपी दोनों टूट गए। और अब कांग्रेस में थोड़ी सी जान थी तो वो भी अब राहुल गांधी के जेल जाने से उनकी ताकत भी आधी रह जाएगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले अपनी बस का नहीं चला सकते हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेन कर रहे थे और जिस तरह से उनको कर्नाटक चुनाव में सफलता मिली, तो उनका ऐसा लगता है कि अभी जो 4 राज्यों के चुनाव होने वाले उनमें भी उनको पता नहीं क्या हो सकता है। कि कांग्रेस की स्थिति जो है इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अच्छी स्थिति है, वो राजस्थान में चुनाव हार सकते हैं, तो कांग्रेस के लिए अच्छा होता अगर राहुल गांधी बाहर रहते, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया में फंस गए, और एक बार कोई कानूनी प्रक्रिया में फंसा तो समझो अपनी जिंदगी हेल हो जाती है, नरक हो जाती है। तो ये गुजरात हाईकोर्ट का अभी भी निर्णय आया है, और इसके बाद जब उसका पूरी डिटेल आएगी कि उसमें क्या लिखा गया है तो फिर आगे बात करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे, क्योंकि अभी मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो इनके वकील हैं, तो मनु सिंघवी हो सकता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डालने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि करनी ही होगी, अदरवाइज आपको सरेंडर करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, आपको 2 साल जेल काटनी पड़ेगी। तो मित्रों, अगर इसमें और कोई डेवलपमेंट होता तो मैं आपको जरूर जानकारी बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।